दोस्तों, मैं हूँ सिनेरी गुरु। आज मैं आप सबको एक ट्रेडिशनल वे में कैसे राइस को कुक करेगा और फिश को कैसे कुक करेगा उसको दिखाने जा रहा हूँ। और ये मेरा पास है, ये बेम्बू का चूँगा, अभी कच्चा चूँगा है। कच्चा जो बेम्बू का चूँगा जो है कच्चा होना चाहिए ये काम करने के लिए। और ये देखिए, ये बहुत ही ताज़ा बेम्बू का आज अभी अभी कटा हुआ बेम्बू का चूँगा है। और इसमें हम लोग आज राइस कुक करेंगे। और ये है पत्ता, और ये अरुणाचल में मिलता है, इसको लोकल हम लोग का भाषा में बोलता है एक्कम पत्ता। देखिए बहुत ही ये क्लीन, नेचुरली क्लीन रहता है। और ये चावल, अब लोकल चावल या आप दुकान से ले सकते हैं। अब मैं फिर से दिखाना चाहूँगा आज लोकल राइस बनाने के लिए, ट्रेडिशनल वे में बनाने के लिए आपको चाहिए। नंबर वन जो है ये बेम्बू का चूँगा चाहिए, और सेकेंड आइटम जो चाहिए वो है ये पत्ता, एकम पत्ता। और तीसरा आइटम जो चाहिए होता है वो है ये चावल, चावल मतलब राइस। हम आपको अभी एक दिखाता हूँ, एक डेमो दिखाने वाला हूँ, एक सैंपल दिखाने वाला हूँ कैसे इसको हम प्रिपेयर करेगा, तैयार करेगा। नंबर वन, आप पत्ता को बिछाइए और उसमें आप चावल डालिए। चावल डाल के फिर आप इसका लंबा तरीका से लंबा होके लॉन्ग होना है, लंबा होना है, उसमें आप रोल कीजिए, चिकन रोल जैसे ये साइज जो है लंबा होना है। और उसमें आप अच्छी तरीका से आप इसको रोल कीजिए, पोल कीजिए, ताकि पानी नहीं घुसना चाहिए। और ये टिप को भी, एंड पॉइंट को भी आपको उसको आप फिर फोल्डिंग करना है। और उसको ध्यान रहे, ये आपका बेम्बू चूँगा से पत्ता जो आप रोल, पत्ता का रोल बनाया है वो थोड़ा साइज छोटा होना है। और ये बेम्बू चूँगा में डालने सेकना है, और डालते वक्त भी ध्यान रहना है जो पत्ता जो है पटना नहीं है, ताकि जब, और एक बेम्बू चूँगा में चावल आपको चाहिए, लिमिट ये है आपको दो मुट्ठी चावल बस। और अभी मैं चार पांच डाल रहा हूँ, दो मुट्ठी चावल चार बार चेक बात करके देखिए। अब इसको आराम से डालिएगा, ये लूज होना है कि, और ये बेम्बू चूँगा से लंबा होना है पत्ता। फिर मैं दूसरा तरीका से दिखाता हूँ, फिर से आपको दिखाता हूँ। जैसे आप पत्ता में डालिए, लंबा तरीका से लंबा से डालिए और चावल को, और फिर आप इसको अच्छे तरीका से ये आप मुड़िएगा, ताकि यहाँ से पानी, जब आप इसको चूँगा में डाल के पानी डाल के कुक करेंगे, पकाएंगे, तो यहाँ में पत्ता से लीक होके अंदर चावल में पानी नहीं लगना है। ऐसा फिर टिप्स को फोल्डिंग करके आप चूँगा में डाल दीजिए, आराम से डालिए। और ध्यान रहिए, पत्ता को आप नहीं पताना है, और चावल जो है पूरा लूज रहना है। और जो चूँगा से लंबा बेम्बू चूँगा से जो पत्ता जो लंबा होना है, पानी में पकाने एक बार, और पानी जो यही से डालना है, पत्ता और चूँगा का, पत्ता और चूँगा का बीच में से आप पानी को डालना है। ये अभी तैयार हो गया पहला चूँगा। और मीट भी है आज मेरे पास, मछली फिश, इसको भी हम ट्रेडिशनल वे में कैसे बनाएंगे, इसको कैसे पकाएंगे, उसको मैं दिखाऊंगा। मेरा आज का ये यूट्यूब का ब्लॉग का दौरा। और ये है सियम नदी, आज यहीं से ताज़ा ये मछली जो मसुआ से लिया है, और ये मेरा साथी, और ये मछली कटा हुआ चपा किया हुआ मछली का पीस। और फिर मैं उसको ये छोटा छोटा पीस में, और छोटा पीस में काटूँगा, ताकि ये बेम्बू का चूँगा में उसने सेकना है, घुसाने में तकलीफ नहीं होना है। और हमको अभी इसमें चाहिए पिसा हुआ लहसुन, पिसा हुआ अदरक, पिसा हुआ मिर्च, हरा मिर्च, और कटा हुआ प्याज, कटा हुआ टमाटो, और आप कोरिएंडर पाउडर, और आप चाहे तो टर्मरिक हल्दी पाउडर, येलो हल्दी,
हल्दी पाउडर भी डाल सकते हैं और अब इसमें नमक स्वाद अनुसार आप डालिए और इसमें आप अभी मिश्रण कीजिए, मिक्स कीजिए और आप उसका पत्ता को में को बेम्बू में लपेट के चूंगा में लपेट के पत्ता को आप लपेट के चूंगा में डालिए और इसमें आप मीट का पीस को डालिए और आप इस ये मेरा साथी लोग है, साथी मेरा पीट का साथी जो आए हुए हैं और ये सियाम नदी और ताज़ा हवा इसमें है, ग्रीनरी अब देखेंगे दिखाई दे रहा है इधर में और ये मेरा दोस्त साथी दोस्त और फिर से मैं दिखाने जा रहा हूँ कैसे मीट को डालना है और ये आप डालिए और जब आप मीट या फिश जो पकाते हैं चूँगा में डालते वक्त आप इसमें गैपिंग नहीं होना है, इसमें एकदम चूँगा को हिला के आप टाइट से मीट को और या फिश जो है वो टाइट से डालिएगा क्योंकि पकने का बाद जो है मीट या फिश जो है उसका वॉल्यूम जो कम हो जाता है और मैं इधर आग में दे चुका हूँ और ऐसा आप टाइट से डालिएगा चूँगा में जितना फिश है डालिएगा टाइट से, गैपिंग नहीं होना है और पट्टा को भी नहीं पटाना है, पट्टा भी से भी होल नहीं होना है और मेरा ये छोटा भाई पीछे में पीछे का स्क्रीन में आप देख रहे हैं डाल चुके हैं चावल का 3 चूँगा और मीट का 2 चूँगा ऑलरेडी हम लोग ने आग में दे चुका है, इधर पक रहा है और ये आखिरी चूँगा जो है उसको रेडी कर रहा है, इसमें हम डाल रहा है चूँगा में और ये देखिए पीछे में है हम लोग का, इसको टाइट से देना है और जब आप पानी डालते हैं ये देखिए आप जब चूँगा को पकाता है पकाने आग देने का वक्त आप ध्यान देना है आप जो इसका फ्लेम जो है हाई नहीं होना है, आप फ्लेम को कंट्रोल करना है, ज़्यादा फ्लेम जो है आपका चूँगा को बर्बाद कर देगा, जला के राख कर देगा, इसलिए फ्लेम को आप कंट्रोल करना है, पूरा पूरा धीमी धीमी से आप फ्लेम को आप देना है और चूँगा का हर पोर्शन हर हिस्सा को आप आग में धरा करके देना है क्योंकि इसको इसका माटा को नहीं नीचे नहीं करना है क्योंकि पानी डाला है चूँगा और पत्ता के बीच में पानी और ये आखिरी फिश का आखिरी चूँगा इसको भी मैंने आग में डाल दिया है, अभी हम इसको पकाएंगे, अभी 15 से 20 मिनट हो गया है, अब देखिए ये जो चूँगा और पत्ता के बीच में जो हमने पानी डाला और अभी उबल रहे हैं लगभग करीबन पकने वाले हैं ये, अभी ये तैयार होने वाला है, देखिए ये चूँगा जो है हरा भरा चूँगा जो है अभी काला काला हो गया और ये इसका हर हिस्सा को काला करना है फ्लेम में देखिए तब इसका वो हर हिस्सा जो है चावल या फिश जो इसका अंदर में है वो सही तरीक़ा से पकेंगे और ये हो गया, मैंने चावल को निकाल दिया है, निकाल के रखा है और ये आखिरी चूँगा है चावल को, देखिए कैसे इसको निकालता है आप देख लीजिए, आप पत्ता को खींचिए पत्ता को पकड़िए और ये देखो निकाल गया और ये चूँगा मीट का फिश का ये चूँगा है, पहला चूँगा है, इसको निकालने के लिए आप दाव से पारिए एक एंड में और इसको इसके बाद आप उसका पत्ता को हाथ में लीजिए, चूँगा का अंदर जो पत्ता है उसको हाथ में लीजिए और आप इसके निकालिए और दूसरा चूँगा है और इसको भी मैं उसका माटा को पारूँगा, दाव से पार रहा हूँ, पूरा पारिए ताकि अंदर का में जो पत्ता है उसको हाथ से पकड़ने में आसानी हो और ये तीसरा चूँगा है फिर से मैं काट रहा हूँ या है पार रहा हूँ और ये पूरा ओवर कुक्ड हो गया, पूरा जल गया है फिर भी चलेगा, ये देखिए मैं आपका सामने उसको निकाल दिया
निकल रहा है। और ये जो कुक बॉइल्ड राइस जो पत्ता के अंदर में, उसको मैं एक पीस को मैं चार पीस कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा यहाँ आज 15 से 20 मेंबर्स है, इसलिए 3 सूंघा का हम लोग उसको एक पीस को 4-5 करके हम लोग स्लाइस बनाएंगे। अगर आपका पास मेंबर्स कम है, आप 2 या 3 है, तो आप एक चूंगा का में जितना एक रोल है, पत्ता का रोल में जितना राइस है, आप एक उसको लेके डायरेक्ट खोल के आप उसको सर्व कर सकता है आप। और ये हम लोग मेंबर्स ज़्यादा है, इसलिए हम उसको एक पीस और 2 पीस 3 पीस 4 पीस करके हम 4 बना रहा है। एक जुगा में से जितना चावल पकाया उसको 4-4 पीस, ताकि हर मेंबर का पिकनिक का हम लोग का ग्रुप का हर सदस्य को, हर ग्रुप का हर मेंबर को एक एक पीस उसके हर मेंबर तक पहुंचना चाहिए, आप सबको इसको पहुंचना चाहिए, इसलिए हम लोग इसको ऐसे बना रहा है। ये देखिए अभी ये रेडी है, देखो मैं इसको आपका सामने खुल के दिखा रहा हूँ, ये रेडी फॉर सर्व। और आप इसको आपका मन अनुसार आप इसको आप गार्निशिंग आपका मन अनुसार आप कर सकता है। और ये देखिए अभी मीट जो है पत्ता का अंदर जो फिश जो हमने पकाया उसको मैं फिर गमला में निकाल रहा हूँ, इकट्ठा कर रहा हूँ। इसको पत्ता को सही तरीका से जो पत्ता जो है रोल किया है, लंबा लंबा तरीका से इसको रोल किया है, रोल किया वाला पत्ता को फिर से उसको देख के आप अनरोल करना है, अनफोल्डिंग करना है, और उसको मीट को आप बाहर नहीं गिरा के गमला में अच्छा से ध्यान से डालना है, इकट्ठा करना है। ये मैंने दूसरा रोल भी का मैं जितना मछली था उसको भी डाला है, और ये तीसरा का भी डाला है। अभी सर्विंग के लिए जो लोकल ट्रेडिशनल वे में कुक किया है राइस और फिश, और सर्व के लिए रेडी है। और गार्निशिंग जो है आपका वो ऊपर है, आप किस प्रकार से गार्निशिंग करेगा। ये रेडी टू सर्व, ये लोकल राइस जो हम लोगों ने बनाया रेडी टू सर्व, और लोकल फिश ट्रेडिशनल वे में कुक किया वाला रेडी टू सर्व।